हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं सत्तर घाट पुल की, जो बन करके तैयार हो गया है। मैंने अपडेट दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गई है, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कल तक जो राह मुश्किल था वो अब आसान हो गया है, कल तक जो राह दुर्गम थी वो अब सुगम हो गई है। ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के सत्तर घाट और फैजुल्लाहपुर के बीच गंडक नदी पर बनकर तैयार हुए पुल की, जिसे सत्तर घाट पुल के नाम से अभी फिलहाल जाना जाता है। पुल का प्रकार आरसीसी है, जिसकी लंबाई 1.44 किलोमीटर है, तो पुल की चौड़ाई 12 मीटर है। वहीं इसके पहुंच पथ की लंबाई 9.071 किलोमीटर है। इस पुल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था 20/10/2012 को, और 4 साल का लक्ष्य रखा गया था। 19/4/2016 में इसे पूरा होना था, लेकिन समय पर यह पुल पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण इसके निर्माण की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2019 रखा गया। फाइनली ये पुल 2020 के शुरुआती दौर में, यानी कि शुरुआत के महीने में बनकर कंप्लीट हो गया। इसका कॉन्ट्रैक्टर वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन है, जो हैदराबाद की कंपनी है। वहीं सुपरविजन कंसल्टेंट BKS इंफ्राटेक है, जो नई दिल्ली की कंपनी है। इस पुल का निर्माण क्षेत्र का विकास का कारण बन रहा है। वर्षों से पिछड़ा क्षेत्र अब विकास पथ पर चल पड़ा है। पुल से कुछ दूरी पर केसरिया बौद्ध स्तूप है। राम जानकी पथ और बौद्ध सर्किट की राह को आसान बनाने के साथ ही ये पुल कई जगहों की दूरियों को कम करने का काम करेगा। फिलहाल इस पुल को बिना उद्घाटन खोल दिया गया है, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। कुछ जरूरी वस्तुएं लाने ले जाने के लिए इस पुल को शुरू कर दिया गया है। ये पुल है, गंडक नदी काफ़ी दुर्गम क्षेत्र था, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस राह से गुजरा हूँ कई बार अपडेट देने के क्रम में। इस पुल से संबंधित या गंडक नदी पर बने पुल से संबंधित वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एक बात तो तय है कि कल्पना से पड़े इन सब पुलों का निर्माण वाकई में कल्पना से पड़े हैं। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, या सोचा तो पूरा होगा, ये नहीं सोचा होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि बिहार में कई प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो रहे हैं, हो चुके हैं। आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट हम देंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।